बचपन से निगाह है, कभी चोट आती है, कभी स्टंट के वक्त या खेलते वक्त, जब मैं दिल्ली में लाल किले के वहाँ खेलता था, कुछ भी होता था, नालियों में दूध में हल्दी, मतलब हल्दी में दूध जो भी है जैसा भी है वो पिला। और जब मैं स्वर्ण साथी के बारे में मैंने सुना कि ये प्रोडक्ट जो है हल्दी के बारे में, और इसके मुझे मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे लिए नहीं। मैंने बाकायदा करीबन ना करीबन 5-6 मीटिंग की इनके साथ, इनसे पूछा, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा है। मैं चाहूँगा पहले वो आप ऐड देख लीजिए, उसके बाद मैं बातचीत। So can we have the ad, please? Yes, sure. So actually, we wanted to unveil the ad with you on stage and Mr. Girish on stage, if you will allow. Let them see it now. Okay. Unveil it, sir. So, khade rehna. He said, "Can you take it? Take it out of the mic." Okay. 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 Jaza. So, आप लोगों ने सब देखा ये, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ प्रेस वाले हैं, अगर आप से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ओनर जी को उठाऊंगा। सगीर जी आइए। Can we have the box on the stage, please, so that we can unveil the product? Can I unveil? Not an unveil, sir. हमने इनको प्रोडक्ट पसंद आ गया, और जब शाम को इनसे बात हुआ कि नाम बताया, इन्होंने कहा नाम बताओ,
आपके लिए क्या है, तो हमने कहा मेरा साथी, इसे सारी नाम है ट्विटर पर। हमने 8 घंटे से कम समय में भी अपना नाम बदल कर इनको दे दिया। तब उसके बाद फिर हमने इसको जब वो करा, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, इसके लिए मैं काम करूँगा। और फिर सर ने इसके लिए कई सर्टिफिकेट लिए, हर सर्टिफिकेट को इनकी जो टीम है उन्होंने चेक करा। और ये बात बिल्कुल नहीं है, दिस इज नॉट क्योर, दिस इज प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन क्या है आप सोचिए, छाता लेके चलते हैं ना बारिश होने से बचने के लिए, तो ऐसी जो इल हैबिट्स की जो चीजें हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और ये और नशे की चीजें खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ये उसका छाता है। इट इज अ प्रिवेंशन अम्ब्रेला ऑफ दैट। इफ यू विल ईट एवरी डे वन पाउच, it is a safeguard. We cannot claim anywhere. We are not claiming anywhere कि इससे आदमी ठीक हो जाएगा। दोस्त बैठे हैं यहाँ पर लखनऊ से, वो अरब देखा जा रहा पति आदमी होंगे और बिजनेस है उनका। और जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ मेरे को लेने आते हैं, मैं देखता हूँ कि गाड़ी में एक डिब्बा रखा होता है, वो खाते रहते हैं। मैं सब कुछ अभी भी खा रहे थे थोड़ी देर, तो वो कहते हैं नहीं भैया मैं तो खाऊंगा, इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो खाना छोड़ देंगे, उनका मुंह गल जाएगा, वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो इट इज अ प्रिवेंशन, इट इज नॉट ए क्योर। और जिन लोगों को भाई जी ने कैंसर हो चुका है और कैंसर होने के बाद वो ठीक हो गया, अगर वो इसके 5 से 6 पाउच रोज खा लें तो उनके लिए उनको आगे एग्रीवेट नहीं हुआ कैंसर। और ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आप जब खाएंगे आदतें छुड़ाने की बात नहीं है, इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि हो सकता है कि लोग जो पान मसाला खाते हैं वो छोड़ भी दें कि भैया हम ये खाते हैं। सर ऐसे कोशिश पूरी की है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपके माउथ में थोड़ी देर, मुंह में आपके थोड़ी देर रहेगा भी, क्रंचिंग मंचिंग इफेक्ट होता है वो भी हमने दिया है ताकि आपके माउथ में वो थोड़ी देर रहे, जैसे जिनको आदत होती है वो कंटिन्यूस खाते हैं। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, अगर छोड़ना चाहें लोग तो बहुत अच्छा। इट इज अ मैसेज, वी डोंट वांट कि लोग ज्यादा पैसा खर्च करें, गुटखे के 50 पैकेट खा जाते हैं, 20 पैकेट खा जाते हैं, डिब्बा खा जाते हैं। मैं वो हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसा सेल्स कंपनी का नहीं चाहिए। सर लेकिन आपने अभी बताया कि इसका टेस्ट इतना अच्छा बना है कि वो लोग खाना, देखिए टेस्ट अगर टेस्ट अच्छा नहीं बनाएंगे तो आप खाना भी घर पे नहीं खाते ना। घर पे अगर आपकी वाइफ सब्जी ठीक नहीं बनाएगी तो खा लें क्या? अभी आप कह देंगे जबकि वो 25 साल से आप जाते रह रही हो, तो टेस्ट की बात है पेशेंट के लिए। और जो कैसे गुटखा खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो टेस्ट अच्छा होना ही है। सर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी मिल रहे हैं जो आप उसको क्लेम कर रहे हो, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो दावा करते हैं कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका गुटखा ठीक हो जाएगा, आप इस पे कितना जोर दोगे? हमारा ये प्रोडक्ट सिर्फ कैंसर से प्रिवेंशन के लिए है, बहुत अच्छे से प्रिवेंशन के लिए। हम जोर नहीं, हम इसको आपको लिख कर देते हैं, जो इसको खाएगा उसको कैंसर होने से बच जाएगा। पर ये नहीं कहते कि इट इज प्योर, जिसको कैंसर हो चुका है उसका क्योर हो जाएगा। ट्रैफिक सिस्टम की वजह से होता है, बैड ट्रैफिक सिस्टम। और गवर्नमेंट भी क्या करें, जब 100-100 करोड़ लोग होंगे, सड़कें भी इतनी ज्यादा नहीं होती, टूट जाती है, बारिश होती है, तो डेफिनेटली ट्रैफिक सिस्टम में जब काम लगेगा तो धुआं निकलेगा डेफिनेटली, तो उसका भी असर होता है। और देखिए इस देश के बहुत सारे ज्यादा जनता गरीब है, दुनिया जानती है कि इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी जानते हैं कि आप जो है तम्बाकू चीनी पान गुटखा इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी दूर हैं। लेकिन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो बीड़ी सिगरेट ये सब जो सेवन करते हैं, आप ये छोड़ दें? अक्षय जी अगर आपको मेरी सरकार आप इतने दूर मुझे सुनाई नहीं दी आपके माइक के पास है? हाँ जी माइक है मेरे पास, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी आप, हम सभी जानते हैं कि आप जो है गुटखा तम्बाकू इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि इनके काफ़ी इन सारी चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं, तो आप चाहेंगे कुछ एक आपके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त हैं ये स्वर्ण साथी यूज़ करें और आप चाहेंगे कि वो तम्बाकू बीड़ी ये सारी चीज़ें छोड़ दें? अरे बिल्कुल, मैं कौन
नहीं जाएगा, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो जिसके लिए भी हो, स्वर्ण साथी सबके लिए है। और मैं चाहूँगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें, और बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है। एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती हैं, और मैं यही चाहूँगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूँगा इसके। ओके खासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों को एंडोर्स ना करें, क्योंकि यस बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग देखते हैं उसे फॉलो करते हैं, सो आई होप हम इससे पीपल गेट द मैसेज एंड दे डोंट। हल्दी देखा, इसके अंदर हल्दी देखी, और मुझे बचपन से मालूम है, ये जरूर मालूम है कि हल्दी इज हेल्दी। और हमारे हिंदुस्तान में ये जो हल्दी चीज़ है, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं आयुर्वेदा में आती हैं जो कि बहुत फायदेमंद होती हैं, और हम उसको हमेशा देखते नहीं हैं, उस पर जोर नहीं करते, अलग रहते हैं समझते हैं। बल्कि मैं कई फॉरेनर्स को जानता हूँ, कई लोगों को बाहर जानता हूँ जो कि हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में बनती है, जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदा में जो आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब देखा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जी मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। इसे स्वर्ण साथी को थोड़ा पीछे होना पूरा दादा।